भारती जी, अशोक कुमार जी एक्टिंग चेयरमैन और इस बहुत ही महत्वपूर्ण सभा में सबसे ज्यादा जो परिश्रम, मेहनत, सहयोग मैडम वर्मा जी जो फाउंडेशन में रहे, साथियों और सभी श्रद्धे साथी जो सारे डेलीगेट्स पूरे भारतवर्ष के कोने कोने से एलआईसी, रेलवे और बैंक और दूसरे डिपार्टमेंट सभी को मेरा क्रांतिकारी है भी। साथियों आज पूरे भारतवर्ष में जो इतने महत्वपूर्ण हॉल में हम आज यहाँ सभा कर रहे हैं उसका क्रेडिट किसको नहीं जाता, केवल एंड केवल बाबा साहब को जाता है। साथियों हम बाबा साहब के सिपाही, हम सब लोग बाबा साहब के सपनों को साकार करने में लगे हुए, सब जितने लोग यहाँ हैं वो अपने लेवल से समाज के काम में संघर्षरत है। मैं उन सभी जहाज समाज के क्रांतिकारी वीरों को सैल्यूट करता हूं जो अपने लेवल से हमारे समाज को, अपने समाज को सींचने का काम कर रहे हैं। साथियों हम सब लोग बहुत बातें ध्यान करते जाते हैं, डिस्कशन होता है, लेकिन जब हम यहां से निकलते हैं कहीं ना कहीं फिर हम जो गुमराह हो जाते हैं और अपने रास्ते से भटक जाते हैं। मैं आज इस मंच के माध्यम से एक बात आपको करना चाहूंगा कि बहुत से हमारे साथी आज व्हाट्सएप का जमाना है, मैंने बहुत सारे व्हाट्सएप देखे हैं, कुछ लोग जो हमारे एंबेसडर हैं, कुछ लोग ऐसे ऐसे व्हाट्सएप करते हैं, नेताओं के बारे में लिख देते हैं, एमपी के बारे में लिख देते हैं, जो समाज को लेकर के चल रहे हैं उनके बारे में बहुत सी कुछ टिप्पणियां कर देते हैं। मैं उन साथियों से गुजारिश करूंगा कि देखिए जो लोग जिस भी पोजिशन में पहुंचे उनका संघर्ष रहा, उनका अपना संघर्ष रहा, उन्होंने संघर्ष किया, समाज को टाइम दिया, समाज को अपनी जवानी दी और आज जिस पद पर जो है उनको हमें बढ़ा के चलना है और क्रिटिसाइज नहीं करना चाहते हो तब तो हम बढ़ेंगे और यदि हम क्रिटिसिज्म में लगे तो सर्टेनली वो दिन दूर नहीं है कि हमारे सारा का सारा सिस्टम फेल हो जाएगा। ठीक उसी तरह की जैसे अभी हमारे श्रद्धेय साथी हरदेव साहिब जी ने बताया कि हम सब लोग प्रतिशत में ज्यादा विश्वास रखते हैं और यही कारण है कि हमारे संगठन कुछ मजबूत होते होते कहीं किनारे पर रुक जाते हैं। चाहे हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, चाहे मिनिस्टर है, चाहे वो एमएलए है, चाहे वो समाज को लेकर चलने वाले लोग हैं, जब तक हम सब लोग मिलकर, जब तक हम सब लोग मिलकर ये लगन नहीं रखेंगे कि हम अपने आदमी को बढ़ा के चलेंगे तब तक इस समाज में कहीं ना कहीं कुरीतियां होती रहेंगी। साथियों हमें कुछ सीखना चाहिए दूसरे लोगों से, हम क्रिटिसाइज तो करते हैं लेकिन हमें यह भी सीखना चाहिए कि कश्मीर से लेकर जम्मू से लेकर कन्याकुमारी तक अगर कोई ब्राह्मण हो अपने ब्राह्मण साथी को कभी भी मतलब नहीं करता, कोई कहता है तो बहुत बढ़िया कोऑपरेटिव इंटेलिजेंट इनोवेटिव इज अ डायनेमिक पर्सन, व्हेयर हमारा उल्टा होता है। हमेशा न करें इरेस्पेक्टिव ऑफ एनी पार्टी पॉलिटिक्स, हमें हर पार्टी में अपने लोग चाहिए, अपने लोग चाहिए और इसलिए हमें हर पार्टी के लोगों को हमें सहयोग करना चाहिए और उनसे सहयोग लेना चाहिए जो हम समाज के लिए जरूरत हो। साथियों पार्टी कोई माने नहीं रखती, बाबा साहब ने अगर कॉन्स्टिट्यूशन में प्रावधान किया कि हमारा इतना रिप्रेजेंटेशन होगा तो वो होगा तो उसमें अपने लोग को जाएंगे, चाहे वो बीजेपी में है, कांग्रेस में है, दूसरी पार्टियां हैं, हिंदू जन पार्टियां हैं, कुछ भी पार्टियां हैं, हमें उनको बढ़ा के चलना है। लेकिन साथ के साथ उनको ये भी बताना है कि जिस बाबा साहब की बदौलत, जिनके संघर्ष की बदौलत, जिस समाज की बदौलत, जिस समाज के संघर्ष और अनवर संघर्ष की बदौलत वो लोग उस मुकाम पर पहुंचे हैं उस समाज को न भूले, इतना तो हमें कहना है। साथियों आज पूरे भारतवर्ष में आज जो
के माध्यम से प्रधानमंत्री जी को, प्रधानमंत्री जी को आना था लेकिन कई और प्रोग्राम की वजह से नहीं आ पाए। उन्होंने अपना संदेश भेजा, जो छात्र और डिमांड लिखा हम लोगों ने, 10 डिमांड थी उसमें, वो 10 की 10 डिमांड पूरे भारतवर्ष के, चाहे वो सामाजिक संगठन है, सामाजिक लोग हैं, चाहे लोग की पेशे में है और चाहे दूसरी जगह है, उन सब के लिए माकूम फीडबैक किए। देखिए रिजर्वेशन का जहां तक है, हम हमेशा मुद्दा उठाते रहे कि रिजर्वेशन को बार बार कोई भी गवर्नमेंट आती है और कभी समीक्षा की बात होती है तो कभी किसी बात होती है, तो इसको मैं सब जितने भी अपने पार्टी के यूनियन है उनसे गुजारिश करता हूँ कि इस मुद्दे को उठा करके इसको हमेशा के लिए एक पार्लियामेंट में लेकर के इसको एक बना दें और संविधान की नौवीं सूची में रखी जाए ताकि हमेशा के लिए मामला खत्म हो जाए। इसके साथ साथ आज जमाना प्राइवेटाइजेशन का है, प्राइवेटाइजेशन का जमाना है, जब तक प्राइवेटाइजेशन में हमें हमारे बच्चों को रिजर्वेशन नहीं मिलेगा तब तक बात नहीं बनेगी। तो साथियों ये दो मुद्दे बहुत अहम है और आपने देखा होगा कि कुछ ही दिन पहले यूपी से शुरू हुआ प्रमोशन में रिजर्वेशन, रिजर्वेशन प्रमोशन में जो लोग प्रमोट हो चुके थे, जो बीएससी लेवल का व्यक्ति था उसको सब इंस्पेक्टर बना दिया गया, जो चीफ इंजीनियर था उसको चीफ बना दिया गया, इससे बड़ा जुर्म और क्या हो सकता है। लेकिन फिर भी पूरा देश ये देख रहा, किसी की आंखों में किसी के हाथ चल नहीं हुई। साथियों जहां जहां हम चुप जाते हैं बहुत सी चीजें, जब तक आवाज नहीं उठेगी, जब तक आवाज नहीं आएगी चारों तरफ से तो हमारी कोई सुनने वाला नहीं है। कुछ ऐसे जरूरत मुद्दे होते हैं हमें वहां इकट्ठा होकर के कहीं से भी ये नहीं देख रहा किसके झंडे के नीचे हो रहा है, ये नहीं देख रहा कौन कर रहा है, हमें ये देखना है कि हमारे समाज का भला किस चीज में है। हम समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम बाबा साहब के सिपाही हैं, हम भगवान बुद्ध के लड़ाई है, हम क्रांति नहीं चाहते, हम अहिंसा नहीं चाहते, लेकिन अहिंसा नहीं चाहते, हिंसा अहिंसा हम चाहते हैं। लेकिन यदि हमारा अधिकारों का हनन उसी तरह होता रहा, हमारे लोग इसी तरह फिरते रहे, एट्रोसिटीज बढ़ती रही, उसी तरह से डिमोशन होते रहे, उसी तरह से डिस्क्रिमिनेशन होता रहा, तो अभी दूर नहीं है। हम सब लोग मिलकर के हमें लड़ाई लड़नी पड़ेगी साथियों, इससे पीछे नहीं हटना। आज इतने नए चुके मैं 13 साल से कन्फेडरेशन जो पहले जिला महासंघ हो गया इससे जुड़ा हुआ हूं, उसके साथ साथ जो बाबा साहब ने संता से निकल बनाया था 1924 में, जिससे वो खुद के रिप्रेजेंट थे, मैं उसका भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं। जहां जहां दलितों में एट्रोसिटी होती है हमारी टीम वहां पहुंचती है। ये जो आज कांड हुआ, कितने कांड हुए, फरीदाबाद पर सबसे पहले मुनिया कांड, गोहाना कांड, ये सब कांड गाजियाबाद में और फिर नया गांव फरीदाबाद में, उसके बाद मुजफ्फरनगर कांड, फिर सहारनपुर कांड, जो आज जिंदा कांड है सहारनपुर का कांड। मैं चेयरमैन साहब से भी गुजारिश करूंगा कि चाहे एससी चाहे एससी, पहले तो ये एक ही कमीशन था, ये भी एक पार्टी की हमारी साजिश थी, हमें बता गया हम इस सीट को न रखे, कैसे एससी देखेगा, एससी में जुड़ा हुआ
विश्वास भाईवाद वस्तुवाद रहेगा, इसको खत्म करने के लिए हमें बहुत बड़ा संघर्ष करना पड़ेगा। सत्य साथियों, सारे मतलब 85% लोग 49% का रिजर्वेशन दे रहे और 15% लोग 51.5%। तो रिजर्वेशन किसको मिला? हमें रिजर्वेशन नहीं मिला, ये तो हमारा रिप्रेजेंटेशन है। जो बाबा साहब ने कहा था कि जब तक प्रॉपर रिजर्वेशन पूरा रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलेगा जब तक कुछ नहीं होने वाला। साथियों, जो इनके बुजुर्गों ने हमारे साथ करे, बाबा के साथ, बाबा डॉक्टर साहब के साथ जितने भी इन्होंने एग्रीमेंट किए उस पर भी ये लोग खड़ा नहीं उतर रहे। साथियों, अरे बाबा साहब तो अकेले थे, आज तो आप लाखों करोड़ों लोग यहां से लेकर के यूएस से लेकर के यूके, यूएसए, जापान, जावा, सुमात्रा, श्रीलंका, कोई देश की बचा जहां आप लोग नहीं है। यदि आज भी अपने हाथ हकूक की लड़ाई लड़ने में हम कामयाब नहीं हुए और खाली बाबा साहब का नाम लेकर के जिंदे रहे तो काम चलने वाला नहीं है। साथियों, हमें बाबा साहब के साथ साथ बाबा साहब के विचारों को, आइडियोलॉजी को अपने अंदर साथ करना पड़ेगा। Then only we can prove something or otherwise, it is totally taken, totally मैं कहूंगा कि कहीं ना कहीं हम लोग हो जाते हैं। साथियों, पॉइंट बहुत है लेकिन मैं केवल आपसे यही कहना चाहूंगा कि जहां जहां भी हमारे लोगों में मेट्रो सिटीज होती है, जहां जहां भी किसी भी उस पर, और एक बात हो रही है जो समाज में काम करता है उसको पहले तो सबसे पहले समाज की पुलिस करता है, सबसे पहले समाज पुलिस करता है। साथियों, लोग बाबा साहब का नाम लेते हैं लेकिन जब मिशन की बात आती है वो मिशन से बहुत कुछ दूर होते हैं, सेले अपने लोगों का, सिर्फ अपने लोगों का बात करते हैं। साथियों, केपी चौधरी का अपने घर का काम कर रहे थे पिछले 6 साल से लेकर मैं देखता हूं कौन सी ऐसी घटना हो नहीं हुई जो इन्होंने नहीं झेली, हम लोगों ने मिलकर नहीं झेली। क्या ये कोई अपना कोई बिजनेस कर रहे थे? समाज की लड़ाई लड़ने काम कर रहे थे? जो जो व्यक्ति समाज की लड़ाई लड़ने काम करेगा उसे यात्राएं सहनी पड़ेगी, उसे संघर्ष झेलने पड़ेंगे। बाबा साहब ने जाने कितना अपमान झेला, कितना संघर्ष किया, उनके अगर हम सच्चे सिपाही है तो हमें संघर्ष से घबराना नहीं है। साथियों, आप एकत्र हो जाओ, अभी भी समय है, एजुकेशन का अदरवाइज कोई फायदा नहीं है। हम अगर एजुकेटेड हैं, हम समाज की सोच रखते हैं, हम बाबा साहब के सिपाही हैं तो हमें ये देखना पड़ेगा। बहुत से ऐसे रोज आयोजन कांड होते हैं, कोई दिन ऐसा नहीं होता हम भागते नहीं कहीं। साथियों, मैं ये कहता हूं कि लोग अपने नाम से, केवल अपने नाम से संगठन चलाते हैं, नाम फिरने से बाबा साहब का तोड़ देते हैं। ऐसे संगठन को जो लोग गली गली आ रहे हैं संगठन के काम कर रहे हैं खत्म करने का काम करें, उन्हें कभी सपोर्ट न करें, बिल्कुल सपोर्ट न करें, वो समाज को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। जब तक आप छोटे छोटे संघ मिलकर एक महासंघ नहीं हो जाएगा तब तक आप अकेले लड़ाई नहीं लड़ सकते। आप सब क्रांतिकारी हैं, आप सब सोशल मूवमेंट के लोग हैं लेकिन हमारी फोर्स इसके लिए लग रही, एक पत्थर बहुत भारी पड़ा हुआ है, एक उधर से खींच रहा, एक उधर से खींच रहा, एक उधर से खींच रहा, तो फोर्स सेंट्रलाइज हो जाती है और वो पत्थर वहीं का वहीं पड़ा आदमी वो पत्थर नहीं दिखता। कारण चारों तरफ फोर्स बढ़ी हुई है, इसको इकट्ठा करना है, इसको इकट्ठा करना है। साथियों, हम सब लोग, हम लोगों ने त्याग किया ऐसा नहीं है, 10 साल की सर्विस छोड़ दिया, हमने बहुत अच्छी नौकरी थी, राष्ट्र की नौकरी, केवल समाज की पीड़ा थी, बाबा साहब को पढ़ा, बाबा साहब को आदर साथ किया, भगवान बुद्ध को पढ़ा। लोग तो ढोंग करते हैं लेकिन जो लोग प्रैक्टिकल होते हैं, प्रैक्टिकल करते हैं वही व्यक्ति होते हैं। बाबा साहब ने कभी ढोंग नहीं किया, अपनी कभी वो नहीं किया, अरे हम उसके सिपाही बाबा साहब के जिनको आज पूरा मुल्क आत्म साथ किए हुए हैं, जितनी उनकी प्रतिमाएं हैं आज तक किसी देवी देवता के किसी महापुरुष की पूरे वर्ल्ड में इतनी इतनी मूर्तें नहीं जो बाबा साहब की, कुछ तो होगा। मैं पिछले साल यूएस गया, कोलंबिया यूनिवर्सिटी में जब मैंने जाकर देखा उनका फोटो और उसमें लिखा है सिंबल ऑफ नॉलेज, कम बात नहीं है। यूएस जैसा कंट्री अगर ये कहता है कि बाबा साहब अगर हमारे देश में पैदा हुए थे
तो हमें उनको सूर्य की उपाधि देते, लेकिन आज हम आज ये जाति वंश जात पात के प्रहरी जात को मानने वाले वर्ग को मानने वाले लोग बाबा साहब को केवल एक दलितों से जोड़ के रख दिया। क्या बाबा साहब ने देश का कानून बनाया? क्या दलितों के लिए है वो? क्या महिलाओं के लिए नहीं वो? पूरे भारत के लिए नहीं वो? आपने बराबर में देखा होगा एक देश पाकिस्तान, वहां लोग एक आदमी का चीफ प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को भारत भेज देता है। लेकिन बाबा साहब के आप दूर दृष्टा देखिए, उन्होंने जो संविधान हमें दिया ताकत नहीं, इरेस्पेक्टिव ऑफ एनी पार्टी पॉलिटिक्स, किसी भी गवर्नमेंट आने दो, लेकिन कोई आर्मी का चीफ, कोई नेवी का चीफ, कोई एयरफोर्स का चीफ, कोई दूसरे संगठन प्रधानमंत्री को इस तरह उठा नहीं सकते। क्या मैं ठीक बता रहा हूं? ये बाबा साहब की सोच थी। क्या बाबा साहब ने मौलिक अधिकार केवल हमें दिए, पूरे भारत में दिए? ये कमीशन बनाए, रिजर्व बैंक बाबा साहब ने बनाया, आपका ये जो इलेक्शन कमीशन बाबा साहब ने बनाया, ये सारी की सारी चीजें सब कमीशन बाबा साहब ने बनाया। इस देश को मजबूत किया, नीति निर्देशक के सिद्धांत दिए, डायरेक्टरी ऑफ प्रिंसिपल। तो ये सब चीजें साथियों बहुत लंबा ना ले जा करके मैं ये कहना चाहूंगा कि हम बाबा साहब को उनको अपना अपना जो प्रेरणा ले उनसे, लेकिन केवल बातों में नहीं, आपको असलियत में भी होगा। जिस गांव के राजस्थान के लोग करते हैं वहां भी हम जाएं। मैं साफ से बात कर रहा था, अभी बात कर रहा था छत्तीसगढ़ एक ऐसी जगह है जहां हमारे लोगों को नक्सलाइज घोषित किया हुआ है, लेकिन रिजल्ट ये बताते हैं हमारे लोग कोई नक्सलाइज नहीं है, वो वहां के व्यवसायी नक्सलाइज है। उनको ऐसा करके पुलिस से पिटवाते हैं, उनकी बेइज्जती कराते हैं। तो ऑनरेबल चेयरमैन साहब ने आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप आज ऐसी पोस्ट पर बैठे हैं, इस सीट को लेकर करें कैबिनेट में, कई लोग संघार हो रहा है। आज बाबा साहब का नाम होगा, उन्होंने सब कुछ सपना ऐसा नाम छोड़ करके, इवन उन्होंने हिंदू को बिल पर लात मारने दी अपने मंत्रालय में भी। हम भी आपके एक्सपेक्ट करते हैं कि कम से कम छत्तीसगढ़ में जो नक्सलाइज के नाम से ऐसी समाज का जो जुर्म हो रहा है उन्हें बचाने का काम करें। आपकी बहुत बहुत ये बहुत कृपा होगी इसके लिए, चाहे आप ये सारा समाज आपके साथ है साथियों। और सहारनपुर का जो गांव है, सहारनपुर जो शहर है, भीमसेना समता सैनिक दल का हिस्सा है। मैं गया था वहां, उनसे मेरी बातचीत चली थी, वो मेरे से बिल्कुल मिला होने वाले थे, इसी बात में कांड हो गया। साथियों जो मैं कहता हूं, जितनी वहां के भीम सैनिक हैं, मैं सारे समाज से वो करता हूं, सात लोग आए हुए हैं बाप, उनको फाइनेंशियली मदद करें, वो जिससे जो बनता है मदद करें। और मिस्टर शेखर और भीम सेना के लोग पूरे भारत में, मैं कहता हूं मैं भी इसी क्षेत्र का काम कर रहा हूं, अपने बात कहने में समझे, हम पूरे लोग आपके साथ हैं, आपके साथ हैं। साथियों जिस तरह से उनको उनके घर फूटे गाड़ी फूकी, ये हमारे लोगों ने नहीं फूकी, हम भगवान बुद्ध को मानने वाले हैं, हम हिंसा नहीं करते, हिंसा को मानते हैं, ये गाड़ी भी दूसरे लोगों ने फूकी। तो साथियों मैं फिर दोबारा मैं कहना चाहूंगा कि हमारे बीच में भाई केपी चौधरी जी, इनकी पूरी टीम और जितने श्रद्धे साथी, जिन लोगों ने इस प्रोग्राम में अपना योगदान दिया, वो बहुत बहुत साधुवाद के पात्र हैं, उनको मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। और ये मेरा चौधरी भाई, ये मेरा छोटा भाई है, उनका रिश्ता नहीं है, लेकिन दिलों का रिश्ता और जो आइडियोलॉजी का रिश्ता होता है, जो विचारों का रिश्ता होता है, उनके रिश्ते से बड़ा होता है। मैं इनसे पहले भी वादा किया है कि इनका हर फैसले पर जिस तरह से पेड़ पर पानी लगाया जाता है और वो बड़ा होता जाता है, मैं इनके हर फैसले पर पानी दूंगा, मैं इनके साथ हमेशा रहूंगा, चाहे वो फैसला कैसा भी हो, बिल्कुल यही होती है आइडियोलॉजी। साथियों मैं दो नारे लगाता हूँ हमेशा, आशा करता हूँ आप जोश लगाएंगे, मैं जय भीम बोलूंगा, आप बोलोगे जय भारत, जय भीम, जय भीम, बोलो तो से।